किरण दोस्तों, आज हम बहुत ही चटपटी और बहुत टेस्टी डिश बनाने जा रहे हैं। ये आप साइड डिश करके बना सकते हैं। आज हम भरवा मिर्च बनाएंगे। ये बावनगरी मिर्च से बनाई जाती है। आप कौन से भी मिर्च इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने घर पे मिर्च बनाएंगे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भावनगरी भरवा मिर्च। ये मिर्च है, ये बड़ी बड़ी मिर्च मिलती है बाजार में। इसे मैंने धो के इस तरह से एक बीच में कट लगा दिया है। सभी मिर्च को मैंने कट लगा दिया इस तरह से। इसके भरने के लिए हम मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं, ये थोड़े से मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, सूखे धनिया अखे हैं ये, और ये मैंने 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है। दोस्तों, पहले हम इस सेंगदाने को बिना घी के इस तवे पर भून लेंगे। दो मिनट में हमारी ये सेंगदाने अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इसके छिलके निकाल देंगे। अब उसी तवे पे हम, ये हमारा तवा गर्म है, इसी तवे पे हम ये थोड़े से जो हमने धनिया सूखा धनिया लिया था उसे डाल देंगे, और ये थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। दोस्तों, 1 मिनट में हमारा ये मसाला भून चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और ये कुछ लाल सूखी मिर्च है इसे इस पर डाल देंगे और इस मसाले को हम अब ठंडा करेंगे। ये लहसुन की कुछ कलियां हैं, इसे भी तवे पे रख देंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इस मसाले को हम ठंडा होने देंगे। जब तक हम इस सेंगदाने के छिलके निकाल देते हैं। ये मैंने मिक्सर का ग्लास ले लिया है, इसमें ये मैं मूंगफली के दाने डाल दूंगी जिसका मैंने छिलका उतार दिया था, और ये जो हमने मसाला भी रोस्ट करके रखा था इसे भी डाल देंगे। इसे हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेंगे। इसे हमने दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने बिल्कुल बारीक नहीं किया है, इसे थोड़ा सा मोटा रखा है जिससे इसका टेक्सचर हमें मिर्ची में लगे। इसमें हम डालेंगे अब थोड़ी सी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा छोटा चम्मच नमक, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच, ये 2 चम्मच तेल डाल देंगे जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। दोस्तों, अब हम ये एक मिर्च ले लेंगे और इसमें इस तरह से थोड़ा सा मसाला लेकर इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें डाल देंगे। आप जितना मसाला डालना चाहते हैं मसाला डाल सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हम सभी मिर्चियों में ये मसाला भर देंगे। दोस्तों, हमने मिर्ची में मसाला भर लिया है। अब हम उसी तवे पर, जिस तवे पर हमने मसाला भुना था, उस तवे को गरम कर लेंगे। मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इसमें मैं 2 छोटे चम्मच तेल के डालूंगी। ज्यादा तेल नहीं डालना है इसमें, बस 2 छोटे से चम्मच तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1-1 करके ये मिर्ची रखेंगे। दोस्तों, मिर्ची डालने के बाद हम गैस को कम कर लेंगे और इसे इस तरह से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। दोस्तों, 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इसका ढक्कन हटा देंगे और इसे हम दूसरी तरफ से पलटी कर लेंगे। इस तरह से आप पलटी कर लीजिए। अब हम इसे दूसरी तरफ से 5 मिनट के लिए कम आंच पे ढक के रख देंगे। देखिए, एक तरफ से हमारे मिर्च अच्छी तरह से पक चुके हैं। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी इस तरह से 5 मिनट तक कम आंच पे रख देंगे।
दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हमने दूसरी तरफ से भी 5 मिनट तक पका लिया था। हमारे मिर्च एकदम गल चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों पलटी करके आप पीछे से देख सकते हैं, ये पीछे से भी एकदम अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलिए हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसे आप दाल के साथ परोसेंगे, ये बहुत अच्छे लगते हैं, और रोटी के साथ। दोस्तों बहुत ही टेस्टी डिश बन के तैयार हुई है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।